सो आज दोस्तों कैसे आप लोगों को फिर से न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पबजी के अंदर जो गन्स होते हैं उनके अंदर रिकॉइल होते हैं वो कैसे आप कम कर सकते हो। आपने सही सुना कि कैसे आप कम कर सकते हो पबजी मोबाइल हो या पबजी पीसी हो। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप रिकॉइल कम कर सकते हो पबजी के अंदर गन्स होती है उनके अंदर रिकॉइल हो। तो इसमें कोई ऐप नहीं चाहिए, आप सोच रहे हैं इसमें कोई ऐप चाहिए, तो इसमें कोई ऐप नहीं चाहिए आपको, सिर्फ मैं बताऊंगा विदाउट कोई ऐप के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी वॉइस या कोई भी आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मैं बताऊंगा कैसे रिकॉल करना। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, मुझे मालूम है, तो बहुत दिनों बाद, एक दो महीने हो चुके हैं, तो प्लीज़ उसको माफ़ करना। तो अभी थोड़ी जल्दी आएंगे क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया था, मेरा एक ब्लॉग नहीं देखा होगा, मेरे गांव गया था तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तो वो ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जरा फटाफट देखो, उसमें लाइक करो, सपोर्ट करो वो ब्लॉग को। मैंने मेहनत से बनाया था, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाएगा मेरे वो ब्लॉग को देख सकते हो, लाइक भी करना, कमेंट में जो भी करना कर लेना। और मैंने इंस्टाग्राम में बहुत सारी स्टोरी डाली थी, मेरी वीडियो आ रही, तो आप नहीं फॉलो करो तो फटाफट जाके फॉलो करो, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी दिख रही रहेगी और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक दे दूँगा उसकी इंस्टाग्राम की, तो फटाफट जाके फॉलो करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बोला कि हम आज वीडियो में रिकॉल कैसे कम करते हैं वो आपको बताऊंगा विदाउट कोई एनी ऐप के। तो आपने सही सुना, तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ ना, उसके लिए आपको क्या करना है आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे करना है आपको, जैसे कि मैं लॉबी में हूँ, जैसे कि आपको भी ऐसे लॉबी में आ जाना है, उसके आपको मैं बता रहा हूँ उसके क्या करना है। तो लॉबी में आने के बाद जो आपको इन्वेंटरी दिख रहा है उसके बाजू में आर्मर दिख रहा है, जो उसके बाजू में आपको आर्मर दिख रहा है, इन्वेंटरी के बाजू में आर्मर दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना। तो अभी इस पर जैसे आप आर्मर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस आने के ऊपर मैं बताता हूँ और आराम से बताता हूँ क्या क्या करना है। तो जैसे कि मैं अभी ले लेता हूँ M416, जो M416 में रिकॉइल होता है, तो वो हम ले लेते हैं M416। तो उसके अंदर आपको रिकॉइल कैसे करना पूरा एंट्री देना आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो आपको जैसे मैं M416 ले लेता हूँ, M416 लेने के बाद आपको नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी नीचे आपको सब दिख रहा है, जो ये देखिए जिधर स्कोप दिया है, स्नैपिंग जो भी दिया है, वो स्टॉक बिग, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अभी मैं क्लिक करता हूँ उस पर, तो इधर आपको स्कोप दिखा वो ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाजू में आपको दिख रहा है MUZLE, तो उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करना है क्या, आपको क्या करना है कंपेसिटर पे क्लिक करना है। जैसे आप कंपेसिटर पे क्लिक करोगे, जैसे आप कंपेसिटर पे क्लिक करोगे ऊपर आपको दिखेगा एक रिकॉइल, जो रिकॉइल होता है कम हो रहा है, जैसे कि आप देखोगे थोड़ा सा लगाओगे तो कंपेसिटर आपको रिकॉइल कम हो जाएगा। फिर आप मैक लगाओगे तो आपको स्पीड और कैपेसिटी वो बढ़ेगा, तो इससे आपको कुछ लेना नहीं है। तो उसमें आप तो उसके बाद मतलब दिख रहा है फॉर ग्रिप, तो फॉर ग्रिप पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने तो बहुत सारे ग्रिप्स मिलेंगे, जैसे आप जैसे कि दिख रहा है बहुत सारे ग्रिप्स है, वर्टिकल ग्रिप, लाइट ग्रिप, हाफ ग्रिप, ऐसे बहुत सारे ग्रिप्स है। तो आपको इधर लेजर स्विंग से कुछ करना नहीं, आपको क्या लगाना बताओ, जैसे आप सब पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा ऊपर ज़्यादा रिकॉल कम हो रहा है, तो लाइट ग्रिप से ज़्यादा रिकॉल कम हो रहा है तो वो आपको लगा देना है। तो आप कभी मैच खेलोगे तो आपको वो मिलेगा तो वो फटाफट लगा देना। उसके बाद जैसे आप देखोगे तो बहुत सारा रिकॉल कम हो गया है। फिर उसके बाद आपको देखना स्टॉक, तो स्टॉक में आपको दिखाता हूँ और क्या होता है स्टॉक में। जैसे आप ये लगाओगे ट्रैक स्टॉक, तो इसमें आपका देखिए और रिकॉल कम हो, तो ये सब लगाओगे तो आपका रिकॉल्स कम होगा और आपकी जो कैपेसिटी और फ्रिंग जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। तो अभी उसके आप सिक्स लगा के आराम से दूर वाले लोग को मार सकते हो स्नैपिंग करके थोड़ा अच्छे से। जैसे कि और मैं आपको गन्स दिखाता हूँ, तो जैसे कि स्कारल लेते हैं, स्कारल में भी आप ऊपर देख सकते हो आपको लाइट ग्रिप, इसमें रिकॉइल कम हो रहा है, इसमें भी लाइट ग्रिप लगा सकते हो, मालूम इसमें ज़्यादा रिकॉइल नहीं होता है, लगता नहीं इसमें। आप जैसे लगाओगे तो दूर वाले लोग को आराम से मार सकते हो, जैसे कि रिकॉइल लगाओगे तो आपको ऊपर रिकॉइल दिखने मिलेगा। फिर ग्रोजा में आता था, तो ऐसे बहुत सारी गन्स में कम कर सकते, ग्रोजा हो गया, ऑग हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा आप लगा के कम कर सकते हो, जैसे कि कैपेसिटर लगा सकते हो। फिर उसके बाद आता है AKM, तो AKM में थोड़ा बहुत कम होता है, आप कैपेसिटर लगाओगे तो आपको सिर्फ उसमें रिकॉइल कम मिलेगा और उसमें आप लाइट ग्रिप ऐसा कुछ नहीं लगा सकते, आप सबको मालूम है इसमें लाइट ग्रिप व्रिप नहीं लगता है, उसमें अपना कैपेसिटर लगा सकते हो, उसके थोड़ा सा रिकॉल कम होगा। तो उसके बाद ये वाली गन आती है G36C, जिसमें भी रिकॉल कम होता है, आप जैसे कि देख सकते हो उसमें बहुत सारा लाइटिंग ग्रिप लग सकता है, तो ये भी कुछ UMP9 जैसी है दिखती है और इसमें आप ग्रिप लगा सकते हो। मुझे मालूम नहीं कहाँ पर मिलती है ये गन, मैंने अभी तक ये गन देखी नहीं अभी तक, तो आपने देखा तो आप यूज़ कर दोगे तो ये आप लगा के इसमें भी आप रिकॉल कम कर सकते हो आराम से। फिर आते हैं हम लोग, अब सबसे अच्छी बात बताओ कि आप किस में रिकॉल कम कर सकते हो, आप अपने स्नाइपर में भी रिकॉल कम कर सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने बोला कि आप स्नाइपर में भी रिकॉल कम कर सकते हो, तो जैसे कि K98 हो गया, ये अपना ओम हो गया, ऐसे ऐसे जो गन्स है स्नाइपिंग उसमें भी आप रिकॉल कम कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ अभी, तो जैसे कि मैंने बोला कि आप स्नाइपर में भी रिकॉल कम कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ मैग मिल जाता है, मैग से भी रिकॉल थोड़ा बहुत कम होता है, और आप लाइटिंग ग्रिप लगा सकते हो SKS में,
तो स्टॉक में भी आप चेक पेड लगा के आप रिकॉल कम से ऊपर देख सकते हो, आप रिकॉल कम हो रहा है, फिर इसमें आप लाइटिंग ग्रिप लगा सकते हो, फिर आप स्टॉक भी लगा सकते हो, और इसमें आपको कंपेसिटर भी मिलता है इसका स्नाइपिंग का, तो उससे देखिए बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जैसे अभी एटेक्स लगा के आराम से आप मार सकते हो इसमें, और फिर आपको दिखाता हूँ कार्नेटेड, तो कार्नेटेड आपको भी दिखाता हूँ कैसे रिकॉल कम हो सकते, उसमें क्या क्या लगता है। तो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कि कार्नेटेड में लगा सकते हो कार्नेटेड होने, तो हाँ तो ये कार्नेटेड जिसमें कार्नेटेड पे क्लिक करता हूँ, आपको जाना है जैसे कि मैं स्टॉक पर जा रहा हूँ, स्टॉक पर जाने के बुलेट लूप्स और आपको जो चेक पैड मिलेगा, तो आपको बुलेट लूप में कोई रिकॉल देखने नहीं मिलेगा इतना, तो चेक पैड लगाओगे तो आपको ज़्यादा रिकॉल देखने मिलेगा उसमें। फिर आपको आना है कंपेसिटर पे, तो आप कंपेसिटर लगाओ तो उससे भी आपको अच्छा रिकॉल देखने मिलेगा, तो उससे भी थोड़ा कम होगा। तो फिर अभी हम लगाते हैं ओम पर, तो AWM पे आते हैं, तो AWM जैसे मैं क्लिक करता हूँ जैसे कि AWM पे आ गया, तो इस पर आते हैं हम स्टॉक पे, तो आपको स्टॉक पैड पे इस पर चेक पैड मिलेगा आपको स्टॉक पे, और इस पर आप कंपेसिटर लगा के ऊपर देख सकते हो आप रिकॉल देख रहे हैं आपको कम मिल रहा है, तो ये सब लगा के आप रिकॉल कम कर सकते हो। तो अभी देखिए मैं आपको, तो गाइस अभी मैं TDM खेल के दिखाता हूँ, TDM में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप रिकॉल कम कर सकते हो उसमें, तो उसमें आपको मैं जो भी लाइटनिंग जो भी आपको सब लाइटिंग ग्रीप कंपेसिटर जो भी मैंने बताया वो सब लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगा, और उसको सब निकाल के फिर मैं दिखाऊंगा कि क्या रिकॉल कम होता है कि नहीं होता असली में। तो चलिए TDM में चलते हैं, तो बराबर स्टार्ट करता हूँ ये क्या सब सोच रहे होंगे ये सब क्या दिख रहा है दो बार सीख सकते हैं। तो भी मैं जब आर्मर में कर रहा था तभी ये बीच में ग्लीच हो गया, जैसे मैं कैंसिल किया बीच में लैग हो गया था फ़ोन, जिसकी वजह से ये ग्लीच हो रहा है, लैग हो गया मेरे फ़ोन में, ऐसा बता दिया है, तो थोड़ा लैग होता है तो अभी मैं थोड़ा टाइम लैप पे डाल देता हूँ उसको, तो बीच में जो लैग हो गया था तो मैं उसको टाइम लैप पे डाल दूंगा, थोड़ा माफ़ करना क्योंकि थोड़ा फ़ोन मेरा स्लो है। तो कैसे आप देख सकते हो TDM चालू हो गया है, तो अभी देख सकते हो मेरे हाथ में AKM है, और फिर जाके मैं कैंडिडेट लेता हूँ, कैंडिडेट के बाद मैं ले लूँगा AKM की जगह M416, तो उसके बाद मैं आपको रिकॉल के साथ दिखाता हूँ, विदाउट रिकॉल के साथ दिखाता हूँ। तो मैंने लिया कैंडिडेट, तो अभी लाइटनिंग ग्रिप ले लेता हूँ, तो ये ले लिया मैंने लाइटनिंग ग्रिप, जैसे कि आप देख सकते हो अभी AKM की जगह मैं लेता हूँ M416, तो ये M416 या फिर मैं M416 उठा लेता हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या करूँगा, तो अभी मैं सारे जो रिकॉल्स है वो हटा देता हूँ, जैसे कि M416 जो भी है सब इसमें जो मैंने लगाया था लाइटनिंग सब हटा रहा हूँ मैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा विद रिकॉल के साथ। तो मैंने मैग रख दिया, थोड़ा 40s गोली हो जाती ना उसकी वजह से, तो मैंने मैग रख दिया, मतलब मैग से अपने कुछ काम धंधा तो उससे रिकॉल होना कम होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ विद रिकॉल एंड विदाउट रिकॉल के साथ क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लैग हो गया, अभी मैं मर जाऊँगा, तो देखिए इतना गंदा लैग हो कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, तो फिर से आता हूँ फटाफट उधर उसको आपको मैं मार के दिखाता हूँ। तो देखिए अभी मैं इधर जाता हूँ और वो बंदा वापस आएगा इधर, तो फिर से तो जैसे कि मैंने इसको मार दिया विदाउट रिकॉल, देखिए ऐसे कोई बात नहीं कि विदाउट रिकॉल के साथ नहीं मार सकते, विदाउट रिकॉल के मार सकते हो, अगर आप रिकॉल यूज़ करोगे तो उसको आराम से मिलेगा, विदाउट रिकॉल यूज़ करोगे जैसे कि मैंने विदाउट रिकॉल यूज़ किया तो मेरे को इतना सारा डैमेज मिला, तो जैसे कि इतना दूर से मैंने इसको नहीं मार पाया, विदाउट रिकॉल का रिकॉल रहता है ना तो आराम से आप मार सकते हो फटाफट, उसकी बॉडी के इधर आसपास रहेगा ना ही कोई ऊपर जाएगा विद रिकॉल, जैसे अभी दे देता हूँ मैं अभी जो भी है रिकॉल सारे चीज़ वो लगा लेता हूँ, तो जैसे कि मैंने लगा लिया सारे चीज़ तो वापस जाता हूँ मैं उस लोगों को मार के दिखाता हूँ विद रिकॉल के साथ कैसा लगता है, विदाउट रिकॉल का कैसा था, तो ये अभी विद रिकॉल के साथ दिखाता हूँ आपको मैं तो कैसा रहता है। तो जैसे मैं जा रहा हूँ अभी फटाफट, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस बंदे को काफ़ी आसानी से मार दिया हूँ विद रिकॉल के साथ, बहुत ही आसानी तरीके, मतलब कुछ मेरा गन जो हिला ही नहीं, तो ऐसे आप 4x के साथ मार सकते हो आराम से, अगर 4x ऐसे लगा कि आप दूर से भी इतने से मार सकते हो विद रिकॉल के साथ, ठीक है जैसे कि आपने देखा। सो गाइस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे, तो ये मेरा टिप्स था, ऐसे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहूँगा ऐसे पबजी के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं, लाइक वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जिसके पास उनको नहीं मालूम रिकॉल कैसे कम करते हैं, तो इस तरीके से आप रिकॉल कम कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी बताइए। तो प्लीज़ यार चैनल को बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करो, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए, और कमेंट करके बताना ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो प्लीज़ फटाफट कमेंट। सो गाइस आपने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो करो, या फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरी आईडी की, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्प्ले भी मैं आपको आईडी दिखा दूंगा मेरी क्या आईडी है, तो फटाफट जाके फॉलो करो। तो मिलता हूँ मैं एक्साइटिंग वीडियो में, तो जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय।